देखते हैं तो तीसरा देखिए, तीसरा भी आपको अनुपात लगाना होगा। तो देखिए इसमें दिया है पीक्यू दिया है, ठीक है, पीक्यू दिया है, पीआर दिया है, पीई दिया है। तो एक काम करते हैं हम लोग पीई बटा पीक्यू का अनुपात चेक कर लेते हैं, वो भी तो चलेगा ना। पीई बटा में पीक्यू यानी कि हो जाएगा 0.18 बटा में 1.28। तो दोनों जगह से पॉइंट हटना चाहे तो हटा सकते हैं, तो 18 बटा में 128 होगा, क्योंकि यहाँ भी दो अंक छोड़ के हैं, यहाँ भी दो अंक छोड़ के हैं, तो 100-100 कट जाएगा ना अगर हटाएंगे भी। तो कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं पॉइंट सीधे। अच्छा काटते हैं 2 से, 2 9 18 और 2 से काटेंगे तो 64, यानी कि 9/64 कटेगा नहीं ना। चलिए अच्छा दूसरा कौन सा लेना होगा, उधर लेना होगा पी एफ और बटा में उसी तरह से पी आर, समझ गया ना, यानी कि 0.36 और बटा में है 2.56, ठीक है। अच्छा ऊपर हो जाएगा आपका 36 और नीचे हो जाएगा 256, दोनों जगह से पॉइंट हटाया तो नीचे भी 100 आएगा ऊपर भी 100 हट गया। चलिए यहाँ भी काटिएगा, किससे काटिएगा, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 9 36 और 4 से इसको काटेगा तो 64 बार में, यहाँ भी 9/64 आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि पीई बटा में पी क्यू बराबर में हो जा रहा है पी एफ बटा में पी आर, है ना। इसलिए थेल्स के प्रतिलोम से, थेल्स के प्रतिलोम से, थेल्स के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, ईएफ समांतर हो जाएगा क्यूआर के, ठीक है, ईएफ समांतर हो जाएगा क्यूआर के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन